स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है, क्या सभी लोग दुनिया में इसे इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, मतलब हर व्यक्ति इसका प्रयोग करता है या नहीं करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी एक यूनिट की स्टडी करती है, किसी एक सिंगल इकाई की स्टडी करती है, यानी उसका अध्ययन करती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो बहुत बड़े लेवल पर होती है, जिसका कहते हैं कि सारी होलिस्टिक इकोनॉमी उसको स्टडी करती है। तो टोटल टर्म्स में हम दो भागों में इकोनॉमिक्स को बांट लेते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो इकोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं क्या, या बेचते हैं उस समय इकोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं क्या, हमारी जिंदगी से, सभी लोगों की जिंदगी से, आम लोगों की जिंदगी से, अमीर लोगों की जिंदगी से, गरीब लोगों की जिंदगी से इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है क्या, इस बात को आज हम समझते हैं। जब कोई आदमी सुबह उठता है, आप या हम, कोई भी अगर सुबह उठता है तो सबसे पहले काम क्या करता है, लाइट जलाता है वो, और बाकी के काम स्टार्ट करता है। तो क्या इकोनॉमिक्स का प्रयोग उसने किया? आपने चिप्स खरीदे, आपने चिप्स खाए, क्या इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया? आपने, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको कोई चार्जेस या कोई भी धन का भुगतान नहीं करना पड़ता, कोई भी पैसे नहीं छुपाने पड़ते, ऐसे स्थानों पर भी क्या इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता है? या बहुत सी चीजें जो आपको आसानी से नहीं मिलती है, जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हम लाइट का प्रयोग करते हैं सुबह उठकर, हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो लाइट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब लाइट के लिए हमें कोई ना कोई धनराशि चुकानी पड़ती है, कोई ना कोई बिल पे करना पड़ता है, बिल पे करते हैं तो धन की बात आती है। तो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ, मैं फिर से बताता हूँ, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ यानी जनक, उन्होंने ये कहा कि जहां पर भी धन की बात होती है वेल्थ की बात होती है। तो अगर धन की बात होती है तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है? जहां पर धन की बात होती है वो इकोनॉमिक्स है। तो जैसे हमने कोई भी चीज खरीदी तो इकोनॉमिक्स है, बेची तो भी इकोनॉमिक्स है, लाइट जलाई, बिल आया, ये भी इकोनॉमिक्स है, मोबाइल का यूज करते हैं, रिचार्ज कराना पड़ता है, ये भी इकोनॉमिक्स है। तो हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स का प्रयोग करता है अपने सामान्य जीवन में, ये तो इकोनॉमिक्स की बात हुई। दूसरी बात हम ये करते हैं कि कुछ और भी विद्वान रहे हैं, कुछ और भी फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स कुछ इससे हटकर है। जैसे अगर मैं बताऊं तो इसमें जो दूसरे फिलोसोफर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सोसाइटी, समाज की सेवा के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं जहां पर धन का प्रयोग तो ना के बराबर है लेकिन वहां समाज की सेवा की जाती है, ऐसे स्थानों को भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसी चीजों को भी यूज कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स के दूसरे ऑथर रहे, उन्होंने भी कहा है कि इकोनॉमिक्स पैसे का नाम ही नहीं है, जहां पैसे का प्रयोग होता है या धन का प्रयोग होता है वही इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स समाज की सेवा करना भी इकोनॉमिक्स होती है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो जो फिलोसोफर है उन्होंने ये कहा है, जो राइटर है इकोनॉमिक्स के, उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का अध्ययन तो करती है लेकिन वो समाज का अध्ययन भी करती है, समाज का जो कल्याण है वो भी करती है, वेलफेयर के लिए कोई भी काम किया जाएगा तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक्स। तो मार्शल ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां समाज का कल्याण भी क्या है, यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्या है, वहां पर इकोनॉमिक्स है। एक और टर्म्स की बात करते हैं, फिर रॉबिन्स ने ये बताया कि भाई देखो, जहां पर धन की बात होती है वहां इकोनॉमिक्स है, जहां समाज के वेलफेयर की बात होती है वहां भी इकोनॉमिक्स है। और फिर हम बात करते हैं उन चीजों की जो आसानी से नहीं मिलती है, यानी स्केयर्सिटी, यानी दुर्लभता, जिन चीजों की कमियां हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल रही है, चाहे वो मार्केट में हो चाहे कोई अलग प्लेसेस पर हो, तो अगर उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको यूज करने के लिए नहीं मिल पा रही है या आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो स्केयर्ड है, वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, रिसोर्सेज नहीं है उसके, तो उस केस में भी क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा, यानी वहां पर स्केयर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। तो बेसिकली हमने तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मैं आपको तीनों बताता हूँ एक एक करके। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी इकोनॉमिक्स है, वेल्थ ऑफ द सोसाइटी भी इकोनॉमिक्स है, और स्केर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स होगी।
आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की सेंट्रलाइज प्रॉब्लम के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज प्रॉब्लम द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्या क्या है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की ये तीन प्रॉब्लम सेंट्रलाइज होती हैं। ये तीनों प्रॉब्लम हमेशा खड़ी रहती हैं। इनको सॉल्व करना है तो इनको अगर आपको सॉल्व करना है, इनका हल निकालना है तो कैसे निकालें। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो सबसे पहले ये डिसाइड करेगी वो क्या प्रोडक्ट बनाए, लेकिन इससे पहले उसे डिसाइड करना होगा वो किस कैटेगरी को बनाए। मेल के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती है, फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती है, वो बनाना चाहती है बच्चों के लिए प्रोडक्ट यानी किड्स के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती है, या जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके लिए बनाना चाहती है। तो डिफरेंट वे में अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट एजुकेटेड के लिए बनाना चाहती है, नॉन एजुकेटेड के लिए बनाना चाहती है, तो कैटेगरी डिफाइन होती चली जाएगी। तो किसके लिए प्रोडक्ट बनाए, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। फिर क्या प्रोडक्ट बनाए, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना है उनके लिए, खाने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, नहाने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, पहनने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, या कोई ऐसी चीज बनानी है जो उनके यूज में आ सके। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हॉम टू प्रोड्यूस। लेकिन आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट बनाना है, कोई ना कोई सामान बनाना है जो वो यूज कर सके, लेकिन वो बनाएंगे कैसे, तो हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमें ये तीनों प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो उनमें तीन चीजों को रखा गया है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तीनों इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं। और इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत। अवसर का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, उसको समझते हैं एक बार। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक जगह काम करते हैं जहां आपको एक सैलरी मिलती है, एक मंथ में आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। अब आपको किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आता है और आप उतना ही समय देते हैं, 8 घंटे पहली कंपनी में काम करते हैं तब आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, और दूसरी कंपनी में ही 8 घंटे काम करेंगे आप तो आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। तो दोनों जगह का समय निर्धारित है, काम भी सेम ही है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि एक में 10 मिल रहे हैं, एक में 12,000 मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2,000 रुपए। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, इसको अवसर लागत बोलेंगे, ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली क्या, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट्स इन द अवेलेबल ऑप्शंस, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें आपको सही चुनना है, जो बेस्ट ऑल्टरनेट हो, जो सबसे अच्छा चुनाव हो वो आपको करना है, जो अच्छा अवसर होगा आपको उसको चुन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने बात करी इकोनॉमिक्स के बेसिक चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑथर्स क्या, कौन कौन से ऑथर ने क्या क्या बताया है, ये भी बताया कि सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमिक्स की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। तो बेसिकली हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़े बेसिक्स को जानने का प्रयास कर रहे थे और हमने जाना इकोनॉमिक्स में हम बेसिक चैप्टर को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।